हेलो हेलो हेलो। और एक और प्रीव्यू में आपका स्वागत है। वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और हम बात करने वाले हैं आज टॉटनम हॉटस्पर की। एंड देखो हम लोग किसको ढूंढ के लाए हैं, बहुत ही मुश्किल से। कौन से जंगल में छुप के हाइबरनेट कर रहा था ये इंसान, साउथ देखो स्टैंड वो व्यू। आ गया इतना साउथ जाने की जरूरत नहीं थी साले, मतलब साउथ स्टैंड व्यू नाम रखा है चैनल का, तो मतलब इतना ही साउथ चला गया। हाउ आर यू ब्रो, हाउ इज लाइफ एंड हाउ आर यू डूइंग? लाइफ इज कैचिंग अप, ओल्ड एज इज कैचिंग अप। तो थेरेपी टाइम कम मिल रहा है बहुत। थेरेपी ऐसे लग रहा है, स्टार्ट ऑफ द वीडियो लग रहा है थेरेपी सेशन होने वाला है मेरे को। सेशन चालू हो गया। Now this is where, so this space is now my therapy space. Now I sit here and just like get into therapy session. So this is what I feel like now. But यार ऐसे लग रहा है कि मैं फुटबॉल से दूर चला गया हूँ बहुत, क्योंकि चैनल चल रहा था, ऑफ कोर्स टॉटनहैम सीजन चालू था, तो मैं बहुत एक्टिव था, वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट ओवर व्हाट्सएप, ट्विटर, जो भी है। बट काम इतना बढ़ गया अभी कि सोशल मीडिया से बहुत दूर हो गया था। इवन वर्ल्ड कप आई थिंक आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोर डिलीजेंटली ओनली आफ्टर क्वार्टर फाइनल्स। तो बहुत ही कम टाइम मिल रहा था। वर्ल्ड कप या यूरोस? सॉरी यूरोस। या सी या आई थॉट तू क्रिकेट वर्ल्ड कप का बात कर रहा है, इसलिए मैं कुछ बोला भी नहीं। सो सी यूरोस को वर्ल्ड कप बोल दिया, तो इतना फुटबॉल से दूर लग रहा है मुझे। ऐसे लग रहा है कि कहीं और दुनिया से मैं अभी आ रहा हूँ, और अचानक से न्यूज मिलने चालू हो गई है, ट्रांसफर न्यूज एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड। तो एक्साइटेड तो हूँ बहुत, ऑफकोर्स। आई थिंक आई वॉज स्पीकिंग टू मानस द फ्यू डेज बैक, जब हम लोग यूरो फाइनल के लिए मिले थे, क्या हाउ एक्साइटेड आर यू अबाउट आर्ने स्लॉट, एंड ही वाज जस्ट लाइक सेइंग लाइक अभी हम हैंगओवर में है फिलहाल, हम क्लॉप के हैंगओवर में है, और जो भी रहेगा वो एक पॉजिटिव ही रहेगा। वी आर नॉट पुटिंग एनी एक्सपेक्टेशन ऑन आर्ने स्लॉट, सो टू मेनी थिंग्स आर चेंजिंग एट टॉटनहैम, सॉरी एट इन द प्रीमियर लीग जनरली। तो इट्स गोना बी अ फन सीजन आई फील। So tell me more about we can expect about your season. सॉरी Tell us more कि हम स्पर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इफ आई वॉज यू एंड इफ यू वर अ लिवरपूल फैन यू वुड हैव मिस्ड नथिंग, बिकॉज हमने तो कुछ बेचा नहीं और खरीदा नहीं। तो स्पर्स स्पर्स का क्या बोल सकता है तू, लाइक व्हाट हैव स्पर्स डन इन द ट्रांसफर विंडो इफ वी आर नॉट अवेयर? या आई थिंक If you see the transfer window currently, the only signing that we have done is Archie Gray, मतलब जो immediately आर्ची team में आने वाला है। लीड से आया हुआ एक, of course, एक youth prospect है, और it just sits so well with what we have been trying to do over the last 1 year. If you see, जब से योहान लांज जा चुके हैं टीम में as a sporting director, तब से एक वो एक 16 से 18 साल की उम्र के जो प्लेयर्स खरीदने की एक जो चालू हो गई है, वो आई थिंक दैट इज कंटिन्यूइंग विद आर्ची ग्रे नाउ। लुकस बर्गवाल जो इसको हमने लास्ट सीजन साइन किया था, वो अभी ये सीजन हमारे टीम में शामिल हो जाएंगे। उसके पहले ऑफ कोर्स हमने एक बहुत ही यंग डिफेंडर वुस्कोविच को साइन किया, वो जो 16 साल के, वो अभी आई थिंक नेक्स्ट सीजन वो हमको ज्वाइन हो जाएंगे। वी साइंड वन कोरियन प्लेयर, अगेन ही विल ज्वाइन अस इन जनवरी, एंड ही इज ऑल्सो प्रिटी यंग। तो एक एक डायरेक्शन दिख रहा है कि वी विल प्रोबेबली साइन दिस हॉट प्रोस्पेक्ट्स हियर एंड देयर एंड ट्राई टू डेवलप देम। और एक जो पुराना एक टॉटनहैम का ये हमेशा हुआ करता था एक ट्रांसफर स्ट्रैटेजी, आई थिंक वी आर गोइंग बैक टू दैट, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू बाय प्लेयर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 24 एंड 27, और वो हमारे बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं हुए थे बीच में। Having said that, दो दिन से डोमिनिक सोलंकी की बहुत ही ज्यादा रूमर्स आना चालू हो गए। आज भी फैब्रिजियो रोमानो ने डाला है कि वी आर प्रोबेबली पेसिंग अप आवर इंटरेस्ट इन सोलंकी। एक स्ट्राइकर की तो हमें डेफिनेटली जरूरत है। हम लोग ने लास्ट सीजन देखा है, रिचार्लिसन इज नॉट द स्ट्राइकर दैट वी कैन चैलेंज फॉर लाइक बेटर थिंग्स। आई एम नॉट सेइंग विन समथिंग, बट इवन नॉट इवन चैलेंज फॉर सम बेटर थिंग्स, इवन इफ इट इज टॉप फोर, हम सिर्फ रिचार्लिसन पे नहीं रिलाई हो सकते। तो एक सोलंकी जैसा एक अगर प्लेयर हमें मिलता है, आई थिंक इट्स अ गुड, इट विल बी अ गुड साइनिंग फॉर अस। एक्सपेक्टेशंस ट्रांसफर विंडो के अलावा देखा जाए तो आई थिंक लास्ट सीजन आयंच को बहुत ज्यादा ये ट्विस्ट एंड टर्न करने का मौका मिला था, बहुत सारी चीजें टेस्ट करने का मौका मिला था। अभी उसको पता है कि कौन से प्लेयर्स उसके सीजन में खेल सकते हैं, उसके सिस्टम में खेल सकते हैं, कौन नहीं खेल सकते, और ये सीजन हमें आई थिंक उसका एक और एडवांस वर्जन देखने मिलेगा। बिकॉज जो अगर आप प्री सीजन में देखो तो हमारे बहुत सारे मिडफील्डर्स एज अ डिफेंडर खेले हुए हैं। नाउ प्रोबेबली ऑफ कोर्स क्रिस्टियन रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे,
ड्यूरिंग द पीरियड एंड ऑफ कोर्स वैन डे वीन भी अवेलेबल नहीं थे बिकॉज ऑफ यूरोस, बट यंग डिफेंडर्स को वो जगह मिलने की बजाय बहुत सारे मिडफील्डर्स को या सीडीएम्स को चांस मिला है डिफेंस में खेलने का. तो क्या हम ये हाई लाइन और बढ़ते हुए देखेंगे? इट्स गोइंग टू बी अ फन थिंग टू सी. उडोगी पोरो बोथ हैव सैट रियली वेल इन द सिस्टम नाउ. मिडफील्ड एक अच्छे उभरते हुए आता दिख रहा है अभी. एक्साइटेड फॉर द सीजन डेफिनेटली. आई थिंक टॉप 4 टॉप 3 शुड बी द एम फॉर अस दिस सीजन. यार वाओ ओके यार देख जहां तक एंज की बात की जाए तो लास्ट सीजन स्पर्स का बहुत इंटरेस्टिंग था बिकॉज़ द वे लास्ट सीजन स्टार्टेड स्पर्स हैड आई थिंक सिटी को हराया था, लिवरपूल को हराया था. आई थिंक अराउंड अक्टूबर देर वॉज कॉन्वर्सेशन की कैन स्पर्स गो अहेड एंड डू समथिंग रियली यू नो आउट ऑफ द We were in UK भाई. And they beat Palace and they were on top of the table and we looked at each other. We were like, भाई ये क्या चल क्या रहा है इधर? You remember that? हाँ, because I remember, you know, the fans getting around just outside the stadium and everybody was chanting Ange का नाम and you know, yeah. But थोड़ा सा मतलब derail हुआ Chelsea वाले result के बाद. तेरे हिसाब से, but I have two questions here, but I'll ask the first one. तेरे हिसाब से वहां पे क्या गड़बड़ हुई? Was it just quad strength? और second question is basically वो चीजों को इस सीजन करेक्ट होते हुए तू देख सकता है? Because leniency थोड़ा supporters का भी कम होगा क्योंकि दूसरा सीजन है ये. Yeah. I think multiple things that went wrong in that one game. Injuries, two red card. We just lost our heads. मतलब if you remember पहले 5-10-15 मिनट में I think हमने already 2 या 3 गोल मार देने चाहिए थे और वो एक जो गोल नहीं गया और उसके बाद जो रोमेरो को एक almost एक येलो कार्ड मिल गया और एक वहां से जो एक we started losing our heads in the game. I think वैसे ऐसे जब बड़े गेम होते हैं और वो रेड कार्ड्स और इंजरीज ऐसा होता है तो आई थिंक एक जनरली एक ओवरऑल एक बड़ा इम्पैक्ट दिखता है देखने मिलता है हमें. If you also see one thing, के हम final third तक इतना बहुत अच्छा खेल रहे थे. Even if you remember the Aston Villa game, जो हम I think draw हुआ था, जो जिसका screening हुआ था मुंबई में, जहाँ पे Ledley King आए थे, उसमें भी तो I think the game we should have killed in the first 15 minutes. I think first 15 minutes में हमारे 3 या 4 goal तो होने चाहिए थे. तो ये conversion है, वो I think एक better striker के हिसाब से अगर हम Dominic Solanke जैसे अगर striker आ जाते हैं, तो I think वो एक गोल कन्वर्जन है, वो दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस डू बेटर इन आवर गेम्स. दूसरा बात उसमें आता है डिफेंस का, जो एक हाईलाइन के साथ खेल रहे थे, एक पीछे बहुत ही ज्यादा स्पेस रह रही थी एंड लाइक पीपल लाइक द टीम स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दैट स्पेस राइट. आई फील एंज वुड हैव क्रिएटेड सम काइंड ऑफ अ स्ट्रेटजी देयर. आई डोंट थिंक ही विल चेंज हिज स्टाइल ऑफ प्ले अ लॉट. जैसे क्लॉप ने भी कभी अपनी मेन फिलोसफी नहीं छोड़ी, ट्वीक्स करते आए यहाँ राइट, बट जो अपनी मेन फिलोसफी है वो कभी छोड़ी नहीं. आई डोंट थिंक एंज विल लीव हिज मेन फिलोसफी असाइड, बट देखना यही मेरे लिए इंटरेस्टिंग है अभी फिलहाल. जितने भी मैं प्री सीजन के गेम्स देखा हूँ, अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट वॉच द बायर्न म्यूनिख गेम, आई जस्ट सॉ द हाइलाइट्स, बट द अदर गेम्स दैट आई सॉ इट्स लाइक थिंग्स आर लुकिंग नाइस. वी आर मूविंग बॉल अराउंड. कुलुसेवस्की को एक नया पोजिशन दिया गया, एक फॉल्स नाइन पोजिशन में खेल रहे हैं अभी कुलुसेवस्की. उनका जो एक जनरली सॉन के साथ जो एक अच्छा कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा उभर के बाहर आ रहा है. ब्रेंडन जॉनसन इज डूइंग वेल. यंग प्लेयर्स आई थिंक आपने आपको पता होगा कि अंडर 21 जो होता है उसकी टॉटनहम हॉटस्पर की जो यूथ टीम है वो चैंपियंस रही थी लास्ट सीजन. तो हमारे यूथ टीम से भी एक बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स अभी ऊपर आ रहे हैं. विलियम लैंगशियर रहेंगे, अल्फी डिवाइन रहेंगे. तो ऐसे प्लेयर्स को जो हम आगे आते हुए देखेंगे उससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा मेरे ख्याल से. बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. आई थिंक जो आपको लग रहा था ना क्लॉप के सीजन में, कि फर्स्ट सीजन आई थिंक यू वर 5th or 6th अंडर क्लॉप्स फर्स्ट सीजन. ऑफकोर्स उनको हाफ ही सीजन मिला था. We were 7th. And I think the next season, you lost the top 4 position to Tottenham. I think you finished 5th that season. I think the second season under Klopp, if I'm not wrong. First full season, we finished 4th. Full season, we finished 4th. Yeah. तो ये अभी देखना, मुझे वही देखना है कि last season हमने एक foundation बना के रखा है अभी. अब उसके ऊपर build कैसे करें?
होप्स तो बहुत ज्यादा। निधि आलोक ने एक चीज बोला है कि वांट्स टू टारगेट टॉप फोर, डू यू थिंक इट इज डूएबल फॉर स्पर्स? बिकॉज़ यार देख आर्सेनल सिटी तो रहने ही वाला है, एंड बहुत लोग बोल रहे हैं कि लिवरपूल ऑफ कोर्स इज गोना बी देयर एज वेल। सो अगर हम लिवरपूल को भी इन्वॉल्व करें तो विला, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, स्पर्स, चेल्सी, आई थिंक इट्स अ टफ वन। निधि व्हाट डू यू थिंक एंज का बॉटम डॉलर क्या है, लाइक ही नीड्स टू अचीव दिस विद स्पर्स ये सीजन? यार देख आई थिंक उसमें कुछ, पहली बात तो आई डोंट थिंक इट इज अ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही गया है, देर इज अस, देर इज चेल्सी, देर इज यूनाइटेड, देर इज न्यू कासल, एस्टन विला, शायद से कोई क्रिस्टल पैलेस भी बोलेगा, स्पर्स हैं, ये सब टीम्स, और अप फॉर ग्रैब आई थिंक टू स्पॉट्स, बिकॉज मैन सिटी और आर्सेनल आर गोना बी देयर, वन और टू, व्हाटएवर इट इज, होने को बिल्कुल हो सकता है, बट आई थिंक दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी अ प्रॉपर, यू नो, स्क्रैप, बिकॉज क्या है ना कि एंड आई एक्सपेक्ट स्पर्स टू नंबर वन इम्प्रूव, क्योंकि अगर तू देखेगा इवन इफ, एंड आई वॉज गोइंग टू आस्क आलोक दिस क्वेश्चन, एंड आलोक तू बता मेरे को, बिकॉज द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे हैव, फॉर एग्जाम्पल ड्रैगोसिन आई थिंक विल हैव अ गुड बेटर सीजन दिस टाइम, क्योंकि पिछले बार वो नहीं था, रोमेरो ऑलरेडी है। तो मैं एक बात बोलूं, देर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन अबाउट, यू नो, प्रीमियर लीग में बेस्ट सेंटर बैक्स कौन से हैं, और उसमें अगर कोई बात करता है, and again I don't wish to make this a comparison, but a lot of people will not say Romero, which is incorrect in my opinion, kyunki Argentina ka almost first choice center back hai wo. What Spurs lack in my opinion is what jo Alok ne bhi bola, mere ko aisa lagta hai ki striker nahi hai unke paas goal scoring. Wo abhi Heung-min Son ka bhi wo consistent 20-25 goal marna per season, matlab it is thoda doldrums mein. Richarlison is just not it, नहीं होगा उससे। So consequently, Harry Kane वाला जो gap है ना वो भरना पड़ेगा। Defense I think Destiny Udogie, Romero, then you of course have Van den Ven, Pedro Porro, ये सब players बहुत अच्छे हैं। Defense is good, but attack में add करना है। I think they can finish top four. They certainly can finish in the top four. I think Nidhi, one more thing. Richarlison से जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटपुट नहीं मिल रहा। आई थिंक शायद से आप कुलिसेव्स्की के बारे में भी ये चीज बोल सकते हो, जो नंबर्स वो एक्सपेक्ट करता है वो नहीं दिख रहे हैं फ्रॉम दीस टू प्लेयर्स। सो इफ दे गेट समवन हु इज एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर, क्या वो सोलांके होगा मेरे को पता नहीं भाई, बिकॉज दे आर पेइंग टॉप डॉलर भाई, 60 odd million सोलांके के लिए देना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए तो अच्छा है, हमें वो 20% मिलेगा, बिकॉज वो सेल ऑन क्लॉज है हमारा उसमें। सो अगर वो जाएगा तो शायद से हमें थोड़ा प्रॉफिट होगा, बट आलोक आई कॉन्फिडेंट दैट सोलांके इज दैट गाय हु विल स्कोर 25 गोल्स इन द लीग? सी द वे टॉटनहम्स साइनिंग्स हैव गॉन, एस्पेशियली फॉर द स्ट्राइकर्स, राइट? मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता जब स्ट्राइकर्स आते हैं टॉटनहम में। हमने वो रोबर्टो सोल्डाडो के वक्त भी देखा था, ही केम टू टॉटनहम एज द बैटिंग लीडर, ही वाज द थर्ड हाईएस्ट गोल स्कोरर इन ला लीगा दैट सीजन विद जस्ट मेसी एंड रोनाल्डो अबव हिम, राइट? और वो टॉटनहम में आ गया और पेनल्टीज के अलावा वो कभी कुछ स्कोर नहीं कर पाया। देयर इज एक्चुअली अ वीडियो जहां पे आई थिंक किसी और ने स्कोर किया था, एंड रोबर्टो सोल्डाडो जस्ट वेंट एंड tried to hit the ball in the net, और वो भी उसने बाहर मार दिया है। तो unfortunately worked really hard, his link up play was amazing, but उसका जो main चीज के लिए जिसको उसको खरीदा गया था, जो उसका sign किया गया था, जो है goal scoring वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। And then we kept adding players like Vincent Janssen जैसे player थे, of course Llorente एक थोड़ा सा हमको एक वो एक second striker का एक अच्छा उसने ये दे दिया for Kane as a backup striker. But we have not been really lucky with the number 9 signings. And Richarlison is just like another one of those, you know, in the long string of players. I think last achha striker humne jo sign kiya rahega wo Berbatov tha. Uske baad se, of course, Kane came through the lines. To ek wo signing nahi keh sakte hain usko. But wohi mujhe abhi dekhna hai ke bahut hi kam expectations hai. स्ट्राइकर से कि वो 15-20-25 गोल मारे, ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन है ही नहीं।
मेरा एक्सपेक्टेशन है वो 15 से 20 गोल भी तो मार ले, बिकॉज विच विल आई ऑलरेडी बी प्रोबेबली डबल देन व्हाट रिचार्लिसन इज स्कोरिंग फर्स्टली. सेकेंडली आई थिंक द वे एंज यूजेस हिज स्ट्राइकर्स, he is going to use his wingers more than the striker. The striker ka ek role bahut hi differently use karte hain. To ek strength wala striker jo ek body play la sake, ek strength la sake wo box mein, somebody who's always there in and around that 6-yard box, waisa player I think Dominic Solanke definitely ho sakta hai. But again, I don't want to let my horses run wild. It always goes bad for Tottenham उच हो जाता था, अच्छा स्ट्राइकर था, फिर उसके बाद पावले चेंको होता था, जो केन के बाद जो गैप आया ना, आई थिंक एक्सपेक्टेशन भी ऐसे होता है कि आपका लाइक आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप जो होता है वो आप देखते हो कि यार मेरी वो एक्स गर्लफ्रेंड जैसे होने चाहिए, वो आई थिंक हमेशा नहीं हो सकता. यू प्रोबेबली विल गेट समथिंग बेटर, समथिंग डिफरेंट इफ नॉट बेटर, राइट? तो वो कहीं ना कहीं हमने फैंस ने भी एक्सपेक्टेशंस वो रखना शुरू करना चाहिए कि लाइक वी विल नॉट फाइंड अनदर केन, बट दैट डज नॉट मीन दैट द नेक्स्ट साइकिल दैट वी विल गेट विल नॉट स्कोर एज मेनी गोल्स, राइट? वी जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड लेट द मैनेजर डू हिज जॉब, राइट? टोटली यार, मेरे को एक बात बता. नाउ कमिंग टू ट्रांसफर्स, स्पर्स हैव साइंड आर्ची ग्रे, जो कि मतलब वो पोटेंशियल वाला साइनिंग है. स्ट्राइकर्स की बात हमने कर ली. आर यू हैप्पी विद द रेस्ट ऑफ द स्क्वाड, और डू यू थिंक की मूवमेंट की जरूरत है? स्ट्राइकर ऑफ कोर्स वी हैव डिस्कस्ड दैट यू नीड अ स्ट्राइकर. आई थिंक एक शायद एक हाथ विंगर या मिडफील्डर आई वोंट माइंड. आई डोंट हैव एनी नेम इन माय माइंड करंटली बिकॉज़ आई रियली डोंट नो what the transfer strategy is looking like for Tottenham this year. Positions? I think I would have loved a center midfielder. I would have loved somebody like Conor Gallagher to come to Tottenham. But I think I just read a few minutes back that I think he's moving to Atletico Madrid. Abhi wo bhi clear nahi hai. Correct, yeah. So somebody like Conor Gallagher I would have really liked agar hum ek center midfielder le lete. The reason being injuries. Bahut zyada injuries ho sakti hai. जिस तरह से आयन सेटअप करते हैं अपनी टीम को, बिसुमा ऑलरेडी मतलब थोड़ा क्या कहते हैं उसको, प्री सीजन में थोड़ा बेटर दिख रहा है बिसुमा, बट लास्ट सीजन बिसुमा वाजंट अप टू हिज मार्क. लो सेल्सो लाइक है नहीं है ऐसा. आई थिंक वी विल प्रोबेबली सेल लो सेल्सो दिस ईयर. ओके, या फिर बचता है मेडिसन. मेडिसन लास्ट सीजन आपने देखा हुआ है कि वो इंजरी के बाद जैसे उसका एक फॉल आ गया. सार ओनली सेकंड सीजन दिस ईयर, मतलब कॉन्टे का सीजन वो खेला था लेकिन उसको ज्यादा चांसेस मिले नहीं थे, तो आई वुड स्टिल कंसीडर दिस टू बी प्रॉपर सेकंड सीजन. स्टिल वेरी यंग. ये सब का मिक्स में एक देखो तो एक somebody like Gallagher I would have really liked but we missed out. Bentancur भी तो है. सॉरी, यस, Bentancur इज देयर. Bentancur इज देयर अगेन. उसकी भी इंजरीज, ACL से बाहर आए हैं लास्ट सीजन वो. He has shown glimpses of his old self again, but midfield is what I was a little concerned about. We might be selling Emerson Royal. Shuru hai wo, AC Milan shayad ja sakta hai. In that case, we will need a backup for our right back also because Poro akela nahi kar sakta wo position mein. So, agar Emerson Royal jaate hai, to I will see probably we probably will still see a right back coming into our team as well. But time zyada bacha nahi hai. Ange had already said के मुझे players बहुत जल्दी चाहिए जिनको मैं अपने pre-season में incorporate कर सकूं और उनके साथ train कर सकूं. Euros के वजह से थोड़ा ये लोगों का ध्यान थोड़ा बढ़ गया, तो अब तक ये Tottenham Spurs Twitter पे कुछ ज़्यादा बढ़िया आवाज शुरू नहीं है. But this is a little too late in the season I feel, in the transfer window I feel कि अगर हम इतना late किसी को sign कर रहे हैं, वो integrate कैसे कर लेंगे Tottenham में, मतलब squad में Ange. So, am I happy with the transfer business so far? Absolutely not. We clearly needed some signings to come in.
But yeah, all is not lost. I can't complain in front of you because I think what you are having this season is worse. So yeah, ऐसे लग रहा है कि मैं एक रोटी खा रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ यार मुझे एक ही रोटी मिली और बाजू वाला ऐसे भूखा पड़ा है चार वो तो मिल रहा है भाई तो I can't हम लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं ब्रो कुछ अलग ही लेवल का फास्टिंग हमारा चल रहा है सो देख पर्सनली आई फील इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन फॉर स्पर्स मेरा एक क्वेश्चन है एंड प्रॉब्ली विल एंड वेरी सून डैनियल लेवी के लिए भी इंपॉर्टेंट सीजन है आई थिंक people are talking about Ange and people are talking about the striker. Daniel Levy ka humne dekha tha last to last season. It was not a very good end for him because when, you know, his name was being chanted and not in a good way. Yeah. Actually, wo Tottenham ka every year ka trajectory hua hai wo. We are so back. And then Daniel Levy out. And then again, kuch achha ho jata hai, we are so back, then Daniel Levy out. I think, of course, the buck stops at him at the end of the day. But if I look at it, it's not as bad as some of the other clubs. Financially, we are extremely strong right now. We just need to start spending. Why we are not spending, whether the buck stops at Daniel Levy, we don't know. Because now we have sporting director, we have technical consultant. There is actually a whole bunch of team which was not there earlier, right? Apparently, lekin aise sunai diya tha ki Archie Gray ke... negotiations में Daniel Levy बहुत heavily involved थे पर is he still meddling into the transfer affairs or is he just letting Johan Lange take the front seat और जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तभी आप मुझे बुलाना ऐसे कुछ किया हुआ है I really don't know what's happening at the behind the curtains but I feel के yes it's an important season for Daniel Levy but nothing's going to happen to him because the board members are happy with him financially we are really strong I don't know whether you know this but like abhi Tottenham ke stadium ke andar F1 ka official first go karting venue ban gaya hai pichle 6 mahine se wo chalu ho gaya F1 ka F1 okay, ne apne I didn't know that. Yeah F1 ne ab tak kahi pe bhi go karting venue nahi banaya hua tha official formula 1 ne ये पहली बार ऑफिशियल गो कार्टिंग वेन्यू बनाया गया है F1 की तरफ से और हमारे स्टेडियम के नीचे है वो एग्जैक्टली एंड वहां पे बहुत कुछ अलग अलग लाइक एक्चुअल कार्स के जैसे गो कार्टिंग कार्स वहां पे लगाए हुए हैं अ लॉट ऑफ द अदर थिंग्स आर हैपनिंग कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं बॉक्सिंग मैचेस हो रहे हैं तो रेवेन्यू बहुत अलग अलग जगह से आ रहा है अभी टॉटनहम के टॉटनहम क्लब में अब वो डैनियल लीवी हैज बीन श्रूड इनफ टू क्रिएट दिस रेवेन्यू एवेन्यूज फॉर इनकमिंग्स आई डोंट नो हाउ श्रूड इज गोइंग टू बी इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग एज वेल सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जिससे खुश हूं कि एंडोमले को फाइनली क्लब से निकाला गया है फाइनली वो क्लब से चले गए इतने सालों में खटमल चले गया उसका कुछ तो बर्गर वाला सीन हुआ था ना इट वॉज वेरी फनी Like he ordered a burger or something, and you know the I think something happened where Ange had said no fast food or something, and then he was found like ordering burgers or something of that sort happened. I think he was playing in the Turkish league, or वहाँ पे उसका ये scene हुआ था जहाँ पे उसने burger order करना शुरू कर दिया था. पर बहुत ही weird player in the sense that जिस तरह से वो आया था जब Tottenham में, everybody had great expectations from him. And he never stood up to that expectation. It's really bad. It's one of those players that you always feel ki kuch achha karke jayenge. But Spursy Max, Tottenham mein aate hi. Tumhara Naby Keita tha wo. Manas, tere hisab se, what would be a successful season for Spurs? We'll ask look the same top question four. And then we'll end it. Top four. Winning a trophy is tough, yaar. Winning a trophy is a lot chance related. Spurs are in Europa League? Yes. I think that is the most realistic trophy that Spurs can win. If they have a good campaign with no injuries, that'll be a huge trophy by if they win the Europa League. I think is a tough trophy to win. And top four. If they get top four, bhai, amazing. It's a tough league, bhai. If they get a top four, that means one big team or two big teams are missing out.
Spurs, not that Spurs is not a big team, but like a big name is missing. Yeah. I think getting into top four is too much. Yes, Spurs team ke liye. Considering Ange को back नहीं किया है जितना करना चाहिए था ये transfer window. So मेरा prediction वो है. अगर वो कर दे कुछ issues address, अगर जैसे आलोक ने बोला दो player, एक striker, एक midfield कर दे, तो फिर बात अलग हो जाती है. फिर suddenly team आपकी मस्त हो जाएगी. एमएसएन रॉयल अगर छोड़ के गया तो बैकअप ले लिया. अगर आप सब इश्यूज एड्रेस कर दोगे तो क्यों नहीं. स्पोर्ट्स की टीम तो अच्छी, स्टेडियम तो बाप है, मैनेजर भी वांट्स टू सी हिज टीम प्ले वेल. ऑन देयर डे स्पोर्ट्स कैन बीट एनीवन. सो या बट टॉप फोर वुड बी अ ग्रेट सीजन. आलोक वुड यू से द सेम? एब्सोल्युटली टॉप फोर. एंड आई मीन I can't be too greedy here. It's not as if that we have been winning trophies, but like it's been so long that don't like any trophy would be great. That would be like the best season we have probably had since 2008, right? Does League Cup change anything in the trajectory overall? Probably not. मतलब अगर हम लोग 8th finish करते और League Cup जीतते हैं उसका कुछ मतलब नहीं है. I feel so. तो top four has to be the aim, and anything that comes along with that. We will definitely take it. League Cup, FA Cup, I think domestic trophies, Tottenham has always been one of those clubs jahan pe domestic trophies wo historically bahut regularly jeete the until 90s, but then tab se nahi jeete hain very regularly. So I think we should start focusing on domestic trophies more. And Europa League, I think Manas, what you said, it's a tough trophy to win. Of course, it gives you that automatic Champions League seat as well. So, shayad aap thoda अगर आप सेमीफाइनल्स तक पहुंच गए हो तो आप शायद वो थोड़ा लीग को थोड़ा नजरअंदाज करके उस पे फोकस कर सकते हो ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड. पर इट्स अ वेरी टफ वन एंड वी नो इट बेटर देन लाइक मोस्ट पीपल बिकॉज़ हम बहुत ही बुरी तरह से हारते थे यूरोपा लीग में पिछले 10 साल में. तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट टॉप फोर इज अ मस्ट. या तो यार यही था हमारा स्पर्स का प्रीव्यू. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम स्पर्स, स्पर्स के सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं हमको बताइए. वी आर सुपर क्लोज टू 30K, दिस क्लोज टू 30K सब्सक्राइबर्स. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब. साउथ स्टैंड व्यू को भी सब्सक्राइब करिए. आलोक हैज बीन सेइंग दैट आफ्टर सम टाइम ही विल स्टार्ट पुटिंग अप कंटेंट अगेन. ऐसा ये बहुत बार बोलता है लेकिन होपफुली करे इस बार. लेकिन जल्दी मिलेंगे आपसे. आज लाइव में वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द ट्रांसफर्स एंड एवरी मूवमेंट. तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना. टेक केयर एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स. सी यू गाइस. थैंक्स आलोक.